ने क्या किया मैंने सब सुन लिया। बाबा से नाराज हो गई थी, लेकिन माहिरा मेरी जान, इसमें बाबा की गलती नहीं थी, जानती हो। आज के बाद स्कूल से नहीं भागोगी, ओके? और ना ही परेशान करोगी। वादा। चलो अब जल्दी से बाबा से गले मिलकर सॉरी कहो इन्हें। कैसा किया मैंने? सही था। मैंने तो सुना था कि तुम यहाँ से जा चुकी हो। कोई गलत फहमी हो गई थी, माहिरा भी यही समझी थी। अम्मी अब कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमेशा हमारे साथ। क्या वाकई में? आज के दिन अगर अपनी दोस्त को ना बुलाती तो क्या हो जाता? हाँ अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम एक दिन तो रह सकते थे ना। वैसे ही मायरा की सालगिरह पे सवाल कर रही थी वो, अब पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। अपनी दोस्त को यहाँ से जाने का कहें। आराम से बात करो, वो सुन लेगी। ठीक है चुप हो जाती हूँ। देखें भाई ये रहे 52,500, आप ये ले लें, फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सच में तुम एक अच्छे इंसान हो। बहुत शुक्रिया आपका। तुम जाओ और अपनी कॉफी शॉप चलाओ जाकर। क्या वाकई में भाई? ये लो हमारा हिसाब खत्म हुआ। एक छोटी सी बच्ची को इस तरह रोज सुलाना तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा ना। निजात और मेरी ये रोज की रूटीन है, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। मगर हांदी तुम्हें क्या वाकई लगता है तुम फैमिली का हिस्सा हो? खैर अब वापस आ चुकी हूँ मैं, तो तुम्हें अपने लिए नई फैमिली ढूंढ लेनी चाहिए। मुझे उस औरत को लेकर कुछ शुभात है, कहीं वो निजात को नुकसान न पहुंचाते, मैं इस बात से डरी हूँ। क्या वाकई में? ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी मैं। मायरा के साथ क्या करती है वो और कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, सब मालूम करो, हर चीज जाननी है मुझे। समझ गई हांदी साहिबा।